और फ्रेंड्स हम ना सिर्फ एक ही बैग लेकर जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, ये वाला हम लेकर जाएंगे। और जो बाकी है ना, जो काफ़ी हैवी हैवी है, वो हर गुदार में एक गठरी घर होता है, तो आप उसमें जमा करवा सकते हो, वो बिल्कुल सेफ होता है। गठरी घर में जमा करवाने का कोई चार्जेस नहीं होता, आप ऐसे नॉर्मली फ्री कर सकते हो, वहाँ पे कुछ भी आप जमा करवा सकते हो, अपने कपड़े, जैसे हमें हेमकुंड साहब जाना है तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है ना, तो हम अभी वहाँ पे जमा। पूछा था कि ऊपर क्या हाल है, तो एक आंटी बोलती है कि ऊपर तो बहुत ज़्यादा स्नो है सही, और सामने बोलिए कि कहीं ग्लेशियर को भी स्नो बोल देते हैं, तो बता दिया ग्लेशियर है या फिर स्नो बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स ये कई लोग ना ऐसे पिट्ठू भी करते हैं, ये आंटी पिट्ठू पे बैठ रखी है, ये देखो, ये अभी ने भैया लेकर जाएंगे पूरी हेमकुंड साहिब तक, उनकी भी कितनी ज़्यादा मेहनत लगती होगी। पैसे दे दो पर्ची कटा ली, विवेक तुम कर आई चढ़ाई शुरू हो चुकी है, हमने घोड़े किए हैं यहाँ पे, अब एक ही रेट है, कितने पैसे देने हैं नीचे से ऊपर जाने का 2500 आना जाना, और एक साइड का 1900। ये हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है, सुकलीन मैडम पूरी फुल कवर होके, सुकलीन द व्लॉगर फुल कवर है, इसने पीछे कैमरा मैन बिठाया है कि मेरी व्लॉग बनाना, व्यू दिखाना अच्छे, तो घोड़े के साथ भी फ़ोन पकड़ना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमने सिर्फ हैंड से पकड़ा है, हमारे पास कोई हैंडीकैम या कुछ नहीं है, वो प्रो नहीं है, इतना होएगा हम व्यू दिखाएंगे। हाँ कितना कुछ लेके आए साथ ही, सामने से वाटरफॉल आ रहा है, अरे वाह वाटरफॉल, और घोड़ा इधर होता है सुकलीन की जान सूख जाती है, भैया पीछे भी देख एक वाटरफॉल, और नीचे जो आपको नजर आ रहा है ये है ग्लेशियर, और मेरा दूसरा हाथ बंद है नहीं तो मैं आपको जूम करके दिखाती, बहुत ही सुंदर व्यू। आप अगर कोशिश करें, हिम्मत करें तो ज़रूर आएं, और इसका जो आप आंखों देखा आनंद ले सकते हैं वो हम फ़ोन पे नहीं दिखा सकते। ठीक जा रहे हो? हमें अभी थोड़ा सा ग्लेशियर भी आया है नज़र, मैंने दिखाया है। हाँ। सुप्रीम के हॉर्स को प्यास लगी है, ये पानी पीते हैं। आपकी भी हॉर्स को प्यास लगी है? तो अभी ये है घोड़े का थोड़ा स्टॉपेज पॉइंट है, और सामने देखो कितना अच्छा व्यू है, थोड़ी सी बर्फ भी है यहाँ पर, ग्लेशियर है, थोड़ा टी ब्रेक होएगा। यस अभी थोड़ा चाय, 3 किलोमीटर अब आगे आके। हाँ अभी बस 2-3 किलोमीटर लगा, जितना आया उतना भी है। हाँ। मुंह से धुआं निकल रहा है। व्यूज देखो गाइस, व्यूज देखो ये कैसे बादल हो गए, पहाड़ों के बादल है सारे, अगर ये आपको ये वाला बादल नजर आ रहा था तो कागा ये बादल देखो, है ना बादल, ये पहाड़ों के अंदर है, ये देखो और ये ग्लेशियर देखो, ये सारा ग्लेशियर है, ये सारी बर्फ है, बर्फ है, ये स्टॉपेज है घोड़े का, सुकलीन को और ग्लेशियर भैया को बोल रही है थोड़ी सी आइस दो इसको, भैया ने दी, ये देखो ग्लेशियर बेटा, ये आगे भी, ये लो पकड़ ली, कैसी है ठंडी?
फ्रेंड्स फाइनली हम अब श्री हेमकुंड साहब पहुंच चुके हैं। रितु आप गई आपको दिखा दीजिए, पूरे चलो दीजिए माता जी का गले दुगर चाकी सुक्लीन सुक्लीन शरण तुम्हारी आयो नानक की प्रसाद सुक्लीन सरोवर बताओ कितना क्लीन है। ओए होए बहुत ज्यादा नीचे का ये पूरे पत्थर पूरे नजर आ रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है देखो। वाह भाई वाह, अरे टुकिया लगाते हुए ठंडे पानी से स्नान करते हुए सिमर 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 प्रभु सोए नानक बिघ्न लागे कोई दुष्ट मन में चल निरंकार करमन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सना सुहिला कर लह जियो नैन पेख उठा कर करंग साध संग से सब संग चरण चलो मार्ग गोविंद मिटे पाप जपिए। यहाँ पर लंगर में एकदम गरम गरम खिचड़ी भी होती है, चाय भी होती है। मुझे खा बैठी है, भूल चुकी ब्लॉग में डालना। मैं थक भी गई है ना काफी। तो फ्रेंड्स अभी हम गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के अच्छे से दर्शन करके आ चुके हैं और अब हमें इससे भी ज्यादा नीचे उतरेंगे ये तो अभी 6 किलोमीटर था पर अब हमें दोबारा से 10 किलोमीटर एक बार दोबारा से हमें हॉर्स लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अभी हमारी यात्रा का स्टॉप हो चुका है जोशीमठ गुरुद्वारे में, जोशीमठ का जो श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है उसमें। तो आज हम अपनी नाइट यहीं पर स्टे करेंगे। हमने जब हम हेमकुंड साहिब जा रहे थे तभी भी हमने अपनी नाइट यहीं पे स्टे करी थी और अभी भी हम यहीं पे, और कल फिर अभी खाना वाना खा के सो जाएंगे। उसके बाद कल हम ऋषिकेश जाएंगे, रात पड़ जाएगी तो फिर कल हम ऋषिकेश में स्टे करेंगे। अभी सोचेंगे स्टे करना है क्या, वैसे तो ऑलमोस्ट स्टे ही करेंगे। उसके बाद फिर अपने घर दिल्ली।